day 7 and it is a productive day today. So hi everyone, my name is Mehak and you're watching the Lawyerpedia. So we are on day 7 today. तो आज दो matters लगे हुए थे, एक था district court में और एक था high court में. High court का matter after break आना था which was assumed और district court में इसलिए पहले आ गए. पर जब मैं जैसे ही district court सुबह सुबह 10 बजे पहुंची मुझे पता चला कि PO is on leave. पहले court में मैंने notice किया कि specifically mention था कि respondent, accused, JD या even defendant किस side पे खड़े होंगे और state, complainant या petitioner किस side पे खड़े होंगे. तो एक बहुत सिंपल सी टिप है इन्हें याद करने के लिए कि कौन किस साइड पे खड़ा होगा, स्पेशली फॉर द यंग लॉयर्स. तो जैसे ही आप कोर्ट में एंटर करो और आप जब सीट देखो जज साहब की कि वो किस साइड की है, आइदर इट्स राइट साइड और द लेफ्ट साइड, तो जहाँ पे भी जज बैठेंगे उनकी राइट साइड पे हमेशा स्टेट कंप्लेनेंट, डीएच, पिटिशनर्स खड़े होते हैं और उनकी लेफ्ट साइड पे कंप्लेनेंट, अक्यूज या डिफेंडेंट खड़े होते हैं. बस फिर स्पेसिफिकली आज इस मैटर में डेट ही लगी तो इसके बाद निकलना था हाईकोर्ट की तरफ. तो हाईकोर्ट का वॉज प्लानिंग की वीसी से ही कर लेते, तो बस इसके बाद बस सीधा ऑफिस जा रहे थे. तो बस ऑफिस पहुंच के वीसी अटेंड करी और इसी के साथ हमारा आज का दिन एंड होता है. सी यू टुमारो. आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग लॉयरपीडिया फॉर मोर सच अपडेट्स.